है गाइस, वेलकम टू आवर ऑन टेक्नोलॉजी चैनल। अगर आप एक स्नैपचैट यूज़र हो तो मैं आपको काफ़ी मैन इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपके सामने अक्सर आप किसी को ऐड करने जाते होगे तो आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी यूज़र नेम आते हैं और यूज़र नेम के नीचे यहाँ पे लिखा होता है बाय सर्ट, म्यूचुअल फ्रेंड्स, क्विक ऐड और इन ए ग्रुप। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास, बाय मेंशन। तो इन सब का मतलब क्या है और ये ऑप्शन क्यों आता है, ये लिखा हुआ क्यों आता है, तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर आप एक स्नैपचैट यूज़र हो तो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो विदाउट स्किप करें, पूरा देखना, आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। ठीक है गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं हम बाय सर्च, जैसे मारूफ लिखा हुआ और इसके नीचे लिखा हुआ है बाय सर्च। ये क्यों लिखा हुआ आता है गाइस, जिसने भी आपको रिक्वेस्ट भेजी है उसने आपको पहले यहाँ पे सर्च किया है। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, इसीलिए वहाँ पे बाय सर्च लिखा हुआ है। अगर आप भी किसी को यहाँ पे सर्च करके, जैसा ये देखिए ये नाम लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जब वो आपको ऐड करने के लिए जाएगा तो उसके आपके नाम के नीचे भी बाय सर्च लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को सर्च करके भेजते हो तो बाय सर्च लिखा हुआ आता है। ठीक है गाइस, अब देखिए सेकेंड ऑप्शन है म्यूचुअल फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो उसके भी ऐड है, इसका मतलब ये होता है। मतलब दोनों के सेम फ्रेंड है और कितने फ्रेंड ऐड है ये भी लिखा हुआ है। दो फ्रेंड अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड है तो वो उसके सेम फ्रेंड लिस्ट में दो फ्रेंड ऐड है, इसका मतलब ये होता है। जैसे फेसबुक पे आपने अक्सर फेस किया होगा ये चीज़। ठीक है गाइस, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ऑलरेडी ये जानता है या फिर आप उसे ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, और बाय क्विक ऐड इसका मतलब ये होता है गाइस, जैसे मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। आप जैसे स्नैपचैट ओपन करते हैं, आपको किसी को ऐड करना होता है, जैसे प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है, ये टेप किया आपने यहाँ पे और देखिए गाइस यहाँ पे वो एक ऑप्शन आ रहा है क्विक ऐड, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। अगर मैं राहुल को रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो राहुल के पास भी ऐसा ही इंटरफेस आएगा जो आपके पास इंटरफेस आ रहा है बाय क्विक ऐड। मतलब यहाँ से जो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो और आपको भी इस बंदे ने यहीं से रिक्वेस्ट सेंड किए, ना ही उसने कहाँ पे आपको सर्च किया है और ना ही कोई अदर सोर्स से आपको रिक्वेस्ट भेजी है, बस सडनली क्विक एड्स में से आपको ऐड किया है, तो सडनली रैंडम पर्सन ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, ये समझ लेना। ठीक है, क्विक ऐड का मतलब ये है। और गाइस यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है इन ए ग्रुप विथ मी। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सन, कोई ग्रुप है, सपोज़ कोई बंदा एक ग्रुप क्रिएट करता है, उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं और वो बंदा ग्रुप के अंदर मेंबर्स में चेक करके अगर आपको ग्रुप के अंदर से रिक्वेस्ट सेंड करता है तो बाय ग्रुप, तो ये वाला ऑप्शन आता है इन ए ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर कोई आपको ग्रुप में से रिक्वेस्ट भेजता है, ये भी जान लिया। और गाइस मैं आपको दो ऑप्शन और बताना चाहूँगा, जैसे कि कभी कभी लिखा होता है बाय मेंशन। सपोज कि आपने किसी की स्टोरी लगाई, ठीक है, स्टोरी लगाने के बाद आपने किसी को मेंशन किया और मेंशन करने के बाद आपके जो फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड ऐड है वो स्टोरी देखते हैं और यूज़र नेम पे टैप करके रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा बाय मेंशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर आप भी किसी की स्टोरी में से जाके अगर किसी को रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो सामने वाले के नीचे लिखा हुआ आएगा बाय मेंशन, तो ये बात का भी आप ध्यान रखना। और गाइस एक ऑप्शन लास्ट जान लेते हैं, बाय स्नैप कोड। लेकिन गाइस प्लीज़ यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक भी करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स भी ज़रूर करना। तो लास्ट ऑप्शन जान लेते हैं हम बाय स्नैप कोड। इसका मतलब ये होता है, मैं बैक आता हूँ, आप जैसे ही प्रोफाइल पर जाओगे और आप प्रोफाइल के अंदर देखिए आपका ये कोड होगा, ये कोड को स्कैन करके आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है तो तब आता है स्नैप कोड। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजो तो आपने ऑलरेडी किसी के फ़ोन में स्नैपचैट ओपन किया और आपने स्कैन करके किसी को सामने वाले को भेजा, तो अलर्ट रहना इस चीज़ के। ठीक है,
तो बस यही ऑप्शन है, अगर कोई ऑप्शन मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। और गाइस प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।